hi competitive outlook family today we are here with another set of topics on current affairs of january 2023 think there will be 4 there will be 7 topics in this video our first topic will be annual death penalty report 2022 second will be scientific study on sea erosion in Cozy code Third will be World Health Organization report on global trans fat elimination. Fourth is Nobel selling new Sunvallo tail butterfly from Arunachal Pradesh. Fifth is NSE National Stock Exchange, world's largest derivative exchange. Sixth is Commission for Subcategorization of OBCs. And last RBS study and GST compensation receiving state stick. We will start our first topic and it is. एनअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 ठीक है एनुल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 ठीक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को इस्टबलिश किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को एस्टबलिश किया गया एन एल यू एक्ट दो के द्वारा ठीक इसका एक एसोसिएटेड ग्रुप जिसका नाम प्रोजेक्ट थर्टी ए है इसने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 ठीक इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डेथ पेनल्टी प्रिजनर्स है हिंदुस्तान में इनका नंबर जो हो है वो बढ़ गया है चार सौ नब्बे जो दो हजार इक्कीस में था वहाँ से ये बढ़ गया है पाँच सौ उनतालीस दो हज़ार बाईस में ठीक तो इस फाइ इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स जो वो इस तरह है तीन परसेंट जो डेथ राउ जज किए हैं वो ट्रायल कोर्ट ने किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने ग्यारह डेथ पेनल्टी जो है प्रोनाउंस की है डेथ पेनल्टी जजमेंट्स प्रोनाउंस किए और हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क में 68 डेथ पेनल्टी सेंटेंस को प्रोनाउंस किया है तो एपिलेट कोर्ट ने सबसे कम डेथ पेनल्टीज प्रोनाउंस की है डेथ पेनल्टी सेंटेंसेस प्रोनाउंस किए हैं तो सारे जो डेथ पेनल्टी केसेस है इसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस जो है क्राइम के वो सेक्चुअल वायलेंस से रिलेटेड है ठीक ऑलमोस्ट एक तिहाई जो कैपिटल पनिशमेंट है वो सेक्चुअल वायलेंस से रिलेटेड है तो गुजरात में इकतीस सॉरी गुजरात में फिफ्टी वन पीपल जो लोग हैं उनको सेंटेंस दिया गया है डेथ का सेशन कोर्ट्स के द्वारा यूपी सेशन कोर्ट ने थर्टी टू को झारखंड सेशन कोर्ट ने 17 को और जम्मू कश्मीर दहली तेलंगाना और मणिपुर में कोई भी डेथ सेंटेंस नहीं हुआ तो एक सौ बासठ हर एक सौ बासठ में से दो जो डेथ पेनल्टी सेंटेंस प्रोनाउंस किए गए वो औरतों पर किए गए ये इसकी की फाइंडिंग है इंडिया में पाँच डेथ सेंटेंस प्रिजनर्स हैं 2022 के मुताबिक और 2015 का नंबर अगर हम ले तो उससे 40 परसेंट जो है बढ़ गया है तो सबसे ज़्यादा जो डेथ पेन यूपी हैज़ द हाइस्ट डेथ पेनल्टी सेंटेंसेस ठीक सबसे ज़्यादा जो डेथ पेनल्टी सेंटेंसेस है वो यूपी में है इसके बाद गुजरात तो और झारखंड आता है ठीक है तो सेकंड टॉपिक जो है साइंटिफिक स्टडी ऑन सी इरोजन इन कोजिकोड ठीक सी इरोजन जो कोजिकोड इस पर साइंटिफिक स्टडी की गई तो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग टैग जो है ये दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा क्लीन और इको फ्रेंडली बीच होती है उनको दिया जाता है तो कापड़ बीच जो केरला में है ये सिर्फ एक बीच है हिंदुस्तान में जिसको ये टैग दिया गया है कापड बीच जो है कोजिकोड डिस्ट्रिक्ट में आती है जो केरला में है तो एक साइंटिस्ट की एक ग्रुप ने सी को स्टडी किया कापड में सी को स्टडी करेंगे कापड में तो द स्टडीज जो भी कंटेक्ट एक्ट्रा थर्टी थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम थिरुवा पारा एंड एंडिंग इन वलिया मंगड ठीक तो ये थिरुपुरा से स्टार्ट होगा और वलिया मंगट में एंड होगा ये तीन पॉइंट पाँच किलोमीटर होगा तो ये क्यों स्टडी की जाएगी और ब्लैक ब्ल्यू फ्लैग बीच क्या होता है ये भी हम देखेंगे ठीक है वाई स्टडी ठीक तो पिछले छतालीस साल से ज़्यादा वक्फे से जो कोजिकोड की जो कोस्ट लाइन है वो सी औरजिन का प्रोन हो रही है तो ये कैसे देखा गया ये सैटेलाइट इमेज के द्वारा कंक्लूड किया जाया गया है तो मेन जो रीज़न इसका है वो है रिवर्स एंड माइनिंग है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है ठीक तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आई होप यू नो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो होते हैं जो इंसान प्रोवोक करता है ठीक तो द सेडिमेंट इन द रीजन आर डिटरमाइंड द दूरीज तो इस जगह की जो सेडिमेंट है वो मैं ज़्यादातर डिपेंड है इस पे तो सोज द इोजन इन कोजिकोड बीच इंक्रीज इट आफ्टर ट्वेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड ठीक तो टू थाउजेंड के बाद यहाँ पे कोजिकोड बीच में जो इरोजन बढ़ गया है तो, अगर जो आर्टिफिशियल कोस्टल लाइन कोस्टल स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गए लेकिन इरोजन अभी भी बढ़ रहा है तो फिश हार्बर कंस्ट्रक्शन फिशिंग हार्बर कंस्ट्रक्शन भी एक रीज़न बताया जा रहा है कोस्टल इरोजन का ठीक तो ब्लू फ्लैग बीच के बारे में हम देखें द टैग इज़ प्रेजेंट बाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप है वो देता है तो उसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एक है इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो देता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन एक एन जी ओ है जो डेनमार्क बेस्ड है ये तमाम ये देते हैं ब्लू फ्लैग बीच टैग तो टैग जो है ये प्रेजेंट किया जाता है तैंतीस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए और इसमें चार चार जो मेजर पैरामीटर्स वो है बाथिंग वाटर क्वालिटी देखा जाता है मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनको देखा जाता है बीच का कंजर्वेशन देखा जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कैसे डिसामिनेट वगैरह किया जाता है इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टूटी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन की रिपोर्ट दी 2022 में ठीक तो ट्रांसफैट्स तो है ये अनसेच्यटेड फैट्स से है तो अगर हम इनका ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो हार्ट डिजीज और बैड कोलेस्ट्रोल जो है बढ़ जाता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है ठीक तो वर्ल्ड हर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की है ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैट एलिमिनेशन को शुरू किया 2018 में और 2023 को सेट किया गया कि हम टारगेट को कम्प्लीटली अचीव करेंगे मतलब ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर देंगे तो इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग क्या है रिकमेंडेशन क्या की दी है डब्ल्यू ने और एफैट्स के बारे में हम देखेंगे तो की फाइंडिंग यह है कि ट्रांस फैट जो है ये पाया जाता है कुकिंग ऑयल में पाया जाता है बेकिड फूड्स में जा पाया जाता है पैकेज पैकेड फूड्स में पाया जाता है एंड सेपरेट ट्रांसफैट जो है जो मेजर सोर्स है प्री डेथ जो इन फूड में पाया जाता है आठ बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ट्रांसफैट ऐशूज से से गवर्नमेंट पॉलिसीज और वगैरह वगैरह मेजर्स से और अदर दूसरे मेजर्स से लो इनकम कंट्रीज जो है इन्होंने कोई भी मेजर अभी एडाप्ट नहीं किया ट्रांसफैट कंजशन को रिड्यूस करने के लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग है तो नाउ कंट्रीज़ दुनिया में है जो करोनरी हार्ट डेथर कॉररी हार्ट डिजीज डेथ ड्यू टू ट्रांसफैट कंजन वो नवमालिक हैं जहाँ पे ये हुआ है तो करोनरी हार्ट डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो हार्ट की जो आर्टरीज है वो हार्ट को वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो ममालिक है पाकिस्तान है नेपाल है साउथ कोरिया ऑस्ट्रेया इक्वाडोर एजरबैजान भूटान जिप्ट एंड ईरान तो रिकमेंडेशन डब्ल्यू हेल्थ डब्ल्यू एच ओ ने ये रिकमेंड की दो पॉलिसीज ठीक एक है तो वो दे सेट अ नेशनल लिमिट ऑफ टू ग्राम ऑफ ट्रांसफैट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ फैट फूड्स ठीक उन्हें कहा कि हंड्रेड ग्राम ऑफ फैट फूड्स में सिर्फ दो ग्राम ट्रांसफैट होना चाहिए और पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है इनको बैन करना चाहिए ठीक है ये बताया और फैट्स के बारे में हम देखेंगे फैट तीन टाइप्स के होते हैं ट्रांस फैट होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं तो अगर हम ट्रांस फैट्स की ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो इनसे डायबिटीज और डायबिट्स और ओबेसिटी होती है ठीक तो नोबल हेलेंस जो है न्यू स्वेलोटेल बटरफ्लाई पाई गई अरुणाचल प्रदेश में ठीक तो बटरफ्लाई पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में हाल ही से बढ़ रही है अरुणाचल प्रदेश को नेचर ट्रो कहा जाता है और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच मानी जाती है तो यहाँ पे एक नई सवेलोटेल बटरफ्लाई जो है वो स्पॉट की गई इसको नोबल हेलिन कहा जाता है ये आमतौर पर ये स्पीशीज हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती है इसका ओरिजिन जो है चाइना लॉस म्यांमार वियतनाम और कम्बोडिया माना जाता है तो बटरफ्लाई इन ममालिक में रिसेंटली जो है वो डिसपयियर हो रही है और इंडिया में इनको स्पॉट किया जा रहा है बटरफ्लाई के बारे में अगर हम देखें तो बटरफ्लाइज़ दुनिया के हर किसी जगह में पाई जाती है सिवाए इंटार्टिका में और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अठारह हज़ार पाँच सौ बटरफ्लाइज़ की स्पीशीज पाई जाती है तो इन में से सात सौ पचहत्तर जो है वो नियाटिक है नियार्टिक में जो इलाके आते हैं वो है ट्रॉपिकल सब ट्रापिकल इलाके आते, 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 है आते हैं सब ट्रॉपिकल आते हैं आर्टिक आते हैं टेम्परेट रीजन्स जो है नॉर्थ अमेरिका के वो इसमें आते हैं सात सौ सात हज़ार सात सौ जो है वो न्यूट्रॉपिकल है न्यूट्रॉपिकल रीजन्स में आठ बायोलॉजिकल टेरियंस आती हैं वो टेरियंस है साउथ अमेरिका आता है कैरिबन आइलैंड होते हैं सेंट्रल अमेरिका आता है यूकैटिन पेनसुल आता है साउथ नॉर्थन अमेरिका आता है न फ्लोरिडा आता है और सेंट्रल फ्लोरिडा आता है इसमें ठीक है पंद्रह जो है वो पैली आर्टिक हैं बटरफ्लाई स्पीशीज पैली आर्टिक में यूरेशिया आता है मतलब यूरोप और एशिया आता है नॉर्थ अमेरिका आता है और अरेबियन पेनसुला आता है छत्तीस सौ पचास जो है एफ्रोट्रॉपिकल है एफ्रोट्रॉपिकल में माडागास्कर आता है ईरान आता है वेस्ट वेस्टर्न इंडियन ओशन और पाकिस्तान आता है चार अठा चार हज़ार आठ सौ जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन्स में पाई जाती है तो अगर हम बटरफ्लाइज़ इन इंडिया के बारे में देखें तो हिंदुस्तान में ईस्टर्न हमालयाज में पाई जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में पाई जाते हैं और इंडिया के जो हिल्स हैं म्यांमार बॉर्डर पर वहाँ पर भी पाई जाती है ये इनको ह्यूमनिटी की फ्रेंड माना जाता है और ये ज़्यादातर एक्सटिंक्ट जो हो रही हैं वो हैबिटेट का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है तो इसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बना हुआ है ये पाँचवीं टाइम लगातार बन रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो है एनएससी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन 2020 द उधर डेली एवरेज ठीक तो अगर हम डेली एवरेज 2022 में देखें तो वो लगभग चार वो चार सौ सत्तर करोड़ डेली टर्नओवर जो है एवरेज टर्नओवर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है तो ये लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज दुनिया में बना है तो ये फोर्थ कंसेक्टिव टाइम है कि ये ऐसा हो रहा है कि नेशनल एक्सचेंज जो है लार्जस्ट डिवेटिव एक्सचेंज पोजीशन दुनिया में हासिल कर रहा है पहले नंबर पे तो डरिवेटिव के अलावा जो है एक्सचेंज एक्सचेंज वॉज रैंक थर्ड इन इक्विटीज़ी इक्विटीज़ में एक्सचेंज जो है वो तीसरे नंबर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिला हुआ है तो पोजिशन एंड डाटा आर बेसड ऑन द ठीक ये पोजिशन और डाटा जो है ये स्टेटस्टिक्स जो प्रेजेंट की है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने की है ठीक तो हम देखेंगे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ये क्या है और हाउ डिन एन एस सी बिकम द लार्जस्ट डायरेवेटिव एक्सचेंज एन एस सी सबसे बड़ा डायरेवेटिव एक्सचेंज कैसे बना वो भी हम देखेंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन एक्सचेंज जो है ये स्टेटस्टिक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज की मुख्तिक ममालिक में जो उसको मेंटेन रखता है तो ये एक बेसिकली ट्रेड एसोसिएशन है जो लंदन में है और इसको फॉन्ड किया गया नाइनटीन सिक्सटी वन में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बना ये हम देखेंगे तो नेशनल एक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अठारह पॉइंट्स को टच किया 2022 में तो ये इसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट्स है तो अगर हम लिक्विडिटी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखें तो ये भी मुख्तु कैटेगरीज में बढ़ गई जो करेंसी डेरीवेटिज़ भी इसमें आते हैं और इक्विटी भी ही आती है तो कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ आर ठीक है तो दो में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन कंस्टिट्यूट किया जिस जिसकी जो सरबाहबराई वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कर रहे थे जस्टिस जी रोहिणी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रिपेयर करनी थी एक रिपोर्ट ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन को एग्जामिन करके ठीक है तो प्रेसिडेंट ने ये कमीशन जो है आर्टिकल चालीस के, तो के अंदर बनाया तो कमीशन को ये रिपोर्ट बारह वीक के अंदर सबमिट करनी थी लेकिन ये काम जो है अभी भी पेंडिंग है और कमीशन को हाल ही में फोरटीनथ एक्सटेंशन मिली फोर्टीनथ एक्सटेंशन इसको हाल ही में मिली तो ये सब कैटेगराइजेशन क्या है क्यों करनी थी और इसका आज करंट सिनेरियो क्या है ये हम देखेंगे और डिले क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस मुल्क में है वो हिंदुस्तान में आई I मीन mean, वो सताइस परसेंट रिजर्वेशन ले रहे हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तो में तो इसमें अब ये नीड महसूस की गई कि सब कैटेगराइजेशन जो है देर इस नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन, है सब सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत को महसूस किया गया क्योंकि ज़्यादातर जो रिज़र्व सीट्स हैं वो कुछ ही कम्युनिटीज़ ले रही है तो 2000 अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो 2000 में सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने 25 परसेंट रिज़र्व कोटा जो जॉब का और एजुकेशन का ले लिया और सतानवे परसेंट जो रिज़र्व सीट्स थी वो ओ कम्युनिटीज़ जो इसमें सिर्फ दस कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने ले ली तो वाइट डिले क्यों हो रहा है इस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तो कमीशन ने देखा कि जो ओबीसी बी पॉपुलेशन का जो डाटा है वो लिमिटेड है तो एंड द कमीशन हैज़ टू कलेक्ट कम्प्लीट डाटा टू सब कैटेगराइज ओ बी कम्युनिटीज थी तो कमीशन को पूरे डाटा की जरूरत थी ताकि ओबीसी बी कम्युनिटीज को सब कैटेगराइज किया जाए तो इब्तदा में जो डाटा था वो डाटा कलेक्शन का डाटा जो काम था वो इस कमीशन को नहीं गया तो रिक्वेस्ट के बाद एक्सटेंड तो जो, जो तो तो कर दिया तो उसके बाद आरबीआई स्टडी एंड जीएसटी कम्पनसेशन रिसीविंग स्टेट ठीक है तो दिस टॉपिक विल बी स्टडी टुमारो फॉर टू डेज वी विल बी एंडिंग अवर टॉपिक एट Number six, and hope you will like it. And if you like this video and you found them a bit beneficial, please like, subscribe, and share. Yeah, thank you.